नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है। सबसे पहले तो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जैसे पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाया था यूपी पीसीएल के नई भर्ती से संबंधित, और वो जो आपकी वैकेंसी, वो जो आप बोल सकते हो कि वीडियो थी, वो एसडीओ पद के लिए थी और यूपी पीसीएल ईए के लिए थी। मैंने तभी उसी वीडियो में बता दिया था कि आपकी ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि ये जो वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एससी के ईए की पद की, ये अब यूपी पीसीएल के ईए की पद की ये जो है वैकेंसी, ये यूपी ट्रिपल एससी कराएगी। लेकिन मैंने तभी बोला था कि यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी ये नहीं कराएगी। अभी तक यूपी पीसीएल कराती आ रही है, इनके सारे सर्कुलर भी रिसेंट में मैंने आपको दिखाया था कि इनके जो भी खर्चे हैं वो यूपी पीसीएल ही इसका खर्चा उठाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता था कि कहीं ना कहीं ये जो भर्ती है यूपी पीसीएल का, जितने भी पद आ रहे हैं यूपी पीसीएल ही कराएगी। क्या फायदा था, क्या नुकसान था यूपी ट्रिपल एससी के कराने से, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खुशखबरी है कि ये यूपी पीसीएल ही कराएगा, और इसका एक आरटीआई का रिप्लाई जो मेरे हाथ में आया है उससे संबंधित मैं आपको यहां पे बता देता हूं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से 3 अगस्त 2024 का बिल्कुल ये आज का आरटीआई है, और आज के आरटीआई में इन्होंने ये बताया है। ये प्रश्न पूछा गया था, ये रजिस्ट्रेशन संख्या है, नाम यहां पे नहीं पता, लेकिन रजिस्ट्रेशन संख्या, और इसमें जिस भी कैंडिडेट ने किया था बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज में पूछा था। अगर आपको ये दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं ताकि आप प्रश्न और उत्तर सही से देख पाओ। इसने बोला यूपी पीसीएल का एग्जाम कंडक्ट यूपी ट्रिपल एससी से होगा, मतलब कि जनरल लैंग्वेज में उसने बिल्कुल इंग्लिश वाली जो लैंग्वेज होती है बिल्कुल अपना ओपन माइंडेड प्रश्न पूछा। हालांकि यूपी पीसीएल ने इसकी आख्या भी प्रस्तुत की, आख्या में बोला कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिक्त पदों हेतु परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड गोमती नगर लखनऊ के स्तर से संपादित की जा रही है। तब बहुत सारे बच्चे बता रहे थे आज मैं इनसे मिलके आया हूं, आज मैं उनसे मिलके आया हूं, यूपी ट्रिपल एससी कराएगी। मैं आपसे बार-बार बोल रहा था कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रख लो, पेपर तो कराएगा यूपी पीसीएल ही, यूपी ट्रिपल एससी नहीं कराएगा। क्योंकि अगर यूपी ट्रिपल एससी के हाथ में ईए का पेपर गया, मतलब ये समूह बोल सकते हो काका गा में, मतलब गा में आएगा ये, है ना, समूह गा की भर्ती में आएगा, और समूह गा की भर्ती में वैसे भी यूपी ट्रिपल एससी क्या कर देता है, मैक्सिमम वैकेंसी ने क्या है पीईटी लगा दिया। यूपी ट्रिपल एससी से अगर कोई वैकेंसी आई है तो बिना पीईटी के होगा नहीं, और अगर पीईटी में होता तो 1000-1500 पद आते हैं, उसके लिए फिर कितने ही फॉर्म भरे जाते और कितना ही कॉम्पिटिशन होता, कितने बच्चे उसमें आते, ये कुछ भी पता नहीं था। तो यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी इसका खेल खराब कर देता। इस कारण से ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से नहीं है, मतलब सारा बच्चा इसमें क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, और वो बच्चा जो मेहनत करेगा वो इसमें क्या कर सकता है, सिलेक्शन ले सकता है। केवल उसके लक या पीईटी दिया या किसी कारण से नहीं दिया, ये फैक्टर उसके लिए काम नहीं करेगा। दूसरी बात अगर करूं तो यूपी पीसीएल का एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी से कौन कौन से एग्जाम होंगे, यहां पे भी बच्चे ने बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज में पूछा है। अगर आप स्पेलिंग देखोगे यूपी पीसीएल का एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी, इन्होंने क्या बोला, यूपी ट्रिपल एससी से कौन कौन से एग्जाम होंगे, और इसमें भी यह दिया गया है कि यहां पे इन्होंने इसकी आख्या प्रस्तुत की है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिक्त पदों हेतु परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जहां पे गोमती नगर लखनऊ के स्तर से संबादित की जा रही है। इसका मतलब कि कौन कौन सी परीक्षा, इन्होंने पूछा कि यूपी ट्रिपल एससी से होगा, तो इसका जवाब इन्होंने सीधा बोल दिया कि यूपी ट्रिपल एससी से ना होकर यूपी पीसीएल ही इसकी परीक्षा कराएगी। तीसरा बच्चे ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया और ये देख के मुझे भी हंसी आ गई। इसमें क्या था, जो भी इसने किया बोला यूपी ट्रिपल एससी पे खुद का एग्जाम तो होता नहीं है, यूपी पीसीएल का एग्जाम क्या करने लगेगा। उसने क्या लिखा आप लोग इसे देखोगे तो यूपी ट्रिपल एससी पे खुद के एग्जाम होते नहीं है, यूपी पीसीएल की क्या करा लेगा, है ना। बहुत सही इसने बोला कि उससे वाकई में तो 6-7 साल में कहीं उससे एक पेपर होते हैं, तो यूपी पीसीएल भी उसके हाथ में चला जाएगा। तो अभी तक जो यूपी पीसीएल हर दूसरे साल वैकेंसी क्लियर कर लेता है, यूपी ट्रिपल एससी के हाथ में गया तब तो समझो गया, फिर वो वैकेंसी बस वैकेंसी ही रह जाएगी, कभी रियलिटी में नहीं बदलेगी। तो बस इसमें इन्होंने बोला कि मांगी गई सूचना अस्पष्ट होने के दृष्टिगत यहाँ पे पोषणीय नहीं है। हालांकि ये बात जब मुझे समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ गई, तो इनकी अधिकारियों को भी समझ में आ गई होगी, लेकिन कुछ भी लिखना था तो उन्होंने आख्या में प्रस्तुत कर दिया। हालांकि जो भी बहुत ही फनी आरटीआई है, बहुत मजेदार आरटीआई है, लेकिन एक खुशखबरी भी है, और खुशखबरी यह है कि आपका जो यूपी पीसीएल की सारी वैकेंसीज है उसका पेपर यूपी पीसीएल कराएगा। अब इसकी बात ये तो हो गई, चलो यूपी पीसीएल कराएगा, इसकी पुष्टि कौन देगा कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आएगी ये पुष्टि कौन देगा, ये भी पुष्टि आपको मैं दूंगा।
26/7/2024 से मेरे पास बहुत दिन से पेपर है, बट इस पे वीडियो बना नहीं रहा था कि मेरे पास ये वाला भी रिप्लाई वगैरह भी आ जाए तब मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो 26/7/2024 से जुलाई अभी 4-5 दिन की बात है, हार्डली एक सप्ताह की बात है। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें मुख्य अभियंता अमौसी क्षेत्र लखनऊ सेंट्रल, जानकीपुरम क्षेत्र, गोमती नगर क्षेत्र, रायबरेली, तमाम इन्होंने क्या किया है, उसे प्रेषित किया है, सर्कुलर है ये। और इन्होंने बोला है, महोदय कृपया उपरोक्त विषय मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन लखनऊ के पत्रांक, ये जो पत्रांक है दिनांक 18/7/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, और जिसके माध्यम से वर्तमान में कॉर्पोरेशन स्तर से कार्यकारी सहायक, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं, कार्यकारी सहायक एवं शिविर सहायक ग्रेड 3 की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की सूचना तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इन्होंने क्या बोला है, सीधी भर्ती के रिक्त पदों के बारे में, किसके बारे में, कार्यकारी सहायक और सिविल सहायक ग्रेड 3, मतलब कि अध्याचन की सूचना मांगी जा चुकी है, अब तक एक सप्ताह से ज्यादा हो गया है, अतः इन्होंने क्या बोला है, 30/6/2024 की स्थिति के अनुसार निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें कार्यकारी सहायकों का और सिविल सहायकों का जो ग्रेड 3 की वैकेंसी है। इन्होंने पूरा क्षेत्र का नाम, स्वीकृत पद, कार्यरत कार्मिक और यहाँ पे अनारक्षित आर्थिक रूप से, सारे कैटेगरी वाइज इन्होंने मांगा था कुल कितने पद यहाँ पे, कुल कितने पद खाली हैं, और इसकी सूचना इनके तक पहुंच गई होगी या फिर एक दो दिन में पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इनको जो 30 तारीख से इस पे काम चल रहा है, मैं जानते हो बच्चों की अभी तक मैं पिछले 7-8 महीने से यूपीपीएससी को लेकर क्यों शांत था, क्योंकि मुझे पता था भी कुछ होना नहीं, और अब अगर मैं आपके सामने आया हूं तो जाहिर सी मेरे पास कुछ तो पुख्ता सबूत होगा तब मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और आप मेरी सारी वीडियो देख लोगे पीछे, अगर मैं किसी के बारे में कोई चीज लेके आता हूं तो पुख्ता जानकारी लेके आता हूं और सटीक जानकारी देता हूं। ये बात अलग है, बहुत सारे बच्चे केवल थंबनेल देख के और बिना वीडियो देखे कमेंट करके चले जाते हैं, बट आप पूरी वीडियो देखोगे तो एक जेन्युइन आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यूपीपीसीएल ईए ग्रेड 3 दोनों की वैकेंसी आ रही है, यहां पे एसडीओ की भी वैकेंसी आ रही है। इन्होंने शुद्धि पत्र वगैरह दिया था, इन्होंने 975 पद, इसमें 580 को कुछ समथिंग उल्टा सीधा लिख दिया था, 850 लिख दिया था, तो ये शुद्धि पत्र था। एसडीओ के भी पद इसमें आ रहे हैं, साथ में इनके यूपीपीसीएल की तरफ से कुछ जेई के भी पद आएंगे, लेकिन कब आएंगे अभी इसके बारे में सूचना जेई के बारे में नहीं है। लेकिन अगली जो वैकेंसी है वो यूपीपीसीएल ईए और आपकी ग्रेड 3 की, और आपकी उसी में कैंप असिस्टेंट की होती है, और साथ में आपकी एसडीओ की। तो ये तीन चार वैकेंसी आपके सामने आएंगी। कब आएंगी, ये आएंगी आपकी नवंबर दिसंबर के आसपास। अभी ये बोलो कि नहीं नहीं सितंबर में आ जाएगी, अगस्त में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है, आएगी आपकी नवंबर दिसंबर के आसपास 2024 के अंतिम में, या ये भी हो सकता है कि 2025 के पहले महीने के सप्ताह में आ जाए, तो उसी महीने के इर्द गिर्द आएगी, ये 2-3 महीने इसकी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब आएगी वैकेंसी तब आप उस चीज के लिए जगो, तो आप अभी से जग जाओ, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। इसमें क्या क्या पूछता है एक बार आप लोग इसे देख लो, इसमें सामान्य अध्ययन हो गया, तार्किक ज्ञान निजनी हो गया, हिंदी हो गया, और सामान्य अंग्रेजी हो गया, इंग्लिश भी इसमें पूछता है, तो ये आपके इसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। साथ में कंप्यूटर होता है CCC लेवल का, और पिछली बार तो काफी अच्छा स्तर पूछा भी था, बोलता है CCC स्तर का, ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको 20 अंक, 50 में से 20 अंक लाना जरूरी होता है। कई सारे बच्चों ने कंप्यूटर में ही क्या किया, हल्के में लिया था, जिसकी वजह से ये क्या हो गए थे, बाहर हो गए थे। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी परीक्षा होती है टाइपिंग भी, तो जिन बच्चों को टाइपिंग नहीं आती टाइपिंग सीख लेना, अभी तक कृतदेव पे ही इसकी टाइपिंग मांगते आए हैं, हो सकता है इस बार मंगल भी इसके साथ, कृतदेव के साथ मंगल भी इस बार बात चल रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि जो बच्चे टाइपिंग वाले हैं वो बच्चे कृतदेव भी सीख लेंगे। एक बात आप लोग और समझिएगा कि यहां पे जो हिंदी की टाइपिंग है वो मस्ट है, और इंग्लिश के टाइपिंग वालों को 20 नंबर अतिरिक्त मिलता है, तो टोटल पेपर 180 और 20 होता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग सीखे, वरना 20 नंबर का आपका नुकसान हो जाएगा। हिंदी तो कंपलसरी और इंग्लिश के लिए 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। तो भाई आपकी वैकेंसीज आपके सामने आ रही है। रही बात इसके कोर्स से संबंधित, एक बार कट ऑफ देख लो, तो पिछली बार का जो कट ऑफ गया था वो अनरिजर्व का 161 गया था, 200 में से 160 कट ऑफ, बहुत ज्यादा कट ऑफ होता है बेटा। अगर आप 161, कई बार मैं आपको बोलता हूं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, तो आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हो, लेकिन मैं हर बार आपको बोलता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और अगर आप 200 में से 160 को जोड़ोगे तो मोर देन 80% नंबर है। 80% किसी भी परीक्षा में लाना जहां पे आपके 200 क्वेश्चन करने हो, वाकई में बहुत कठिन टास्क होता है, इस बात को आप समझते हुए चलो। ऐसे ही मैं और भी वैकेंसीज के बारे में बताता रहता हूं, लेकिन तब आपको बिलीव नहीं होता, बट हाई कट ऑफ एक ट्रेंड हो गया है, कारण उसका लगातार कंपटीशन और समय पे वैकेंसी ना आना है। तो अगर आप अभी से पढ़ाई कर लोगे तो ये बच्चे ही लाते हैं, कोई भगवान के भेजे हुए दूत नहीं होते हैं जो स्पेशली लेके आए, तो आप भी इस नंबर को प्राप्त कर सकते हो। रही बात तैयारी की, तो टीम परीक्षा प्लस आपके इस पे नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया है,
हम विद इन वीक में आपको इसके लिए बहुत प्यारा सा बहुत बेहतरीन सा कोर्स भी लेके आ रहे हैं। पूरा हमारी टीम की मीटिंग चल रही है और एक बार जब हम आपका कोर्स पूरा डिजाइन कर लेंगे किस प्रकार से कितनी क्लासेस में हर चीज देंगे मिनिमम फीस में मैक्सिमम क्वालिटी आपको 3-4 दिन में कोर्स परीक्षा प्लस ऐप पे दिख जाएगा। तो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और जो दोस्त कह रहे थे कि UP SSSC में होगा उनको ये वीडियो की लिंक भेज दीजिएगा कि भैया नहीं UP SSSC कराएगा, बहुत ज्यादा मेरी BP मत बढ़ाओ। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।